मिलिए अजीब किस्म के कीड़े से जिसे मैंटिस के नाम से जाना जाता है। आप इस वीडियो में कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। कैसे एक कीड़े ने एक चिड़िया को मार दिया। जी हाँ, यह एक कीड़ा ही है जिसे पूरी दुनिया में किली मशीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सचमुच में बहुत ही अजीब है, जो कि सिर्फ अपने आकार के कीड़े ही नहीं पक्षी, सांप और दूसरे जीवों को भी मार डालता है, जो कि अपने से कई बड़ी आकार की बिल्ली से भी भिड़ने से भी नहीं डरता। लेकिन मैंटिस में ऐसा है क्या कि ये इतना निडर और दूसरे जीवों का खून का प्यासा माना जाता है? तो चलिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। हमारी आहार श्रृंखला भगवान के द्वारा बड़ी सटीक तरीके से बनाई हुई है, जहां बिल्ली चूहे को मारती है और छिपकली कीटों का शिकार करती है, लेकिन मेंटिस के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसका डिफेंस उसका अटैक करना ही माना जाता है, वो भी कोई छोटा मोटा वार नहीं। देखिए इस छिपकली को, जिसने इसे अपना शिकार समझने की गलती कर दी, जिसे ये नहीं पता कि अब वह मेंटिस का शिकार होने वाली है, जिससे खतरनाक ताकतवर पांव ने इस छिपकली की गर्दन को कस के पकड़ लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पाई और जिंदा ही छिपकली को खाने लग गई, जो कि सचमुच में बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन जैसे ही छिपकली किसी तरह इस मेंटिस के चंगुल से निकली, मेंटिस ने बिना देर किए इस पर वार करके इस छिपकली की गर्दन तोड़ दी। मेंटिस, जो कि कीटों की दुनिया का राजा माना जाता है, जिनके बड़े खतरनाक पैर आपस में जुड़े रहते हैं और किसी टहनी या पेड़ों पर कैमोफ्लाज की मदद से छुपे रहते हैं, और जैसे कि पक्षी या कोई जीव इनके सामने आता है, अचानक से अपने पैरों से ये उन पर वार कर देते हैं, जिसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे इंसानी आंख से देख पाना बिल्कुल ही नामुमकिन माना जाता है, जिसकी वजह से इन कीटों को सबसे बड़ा हथियार इनके पांव माने जाते हैं, जिनकी लंबी गर्दन के साथ तिकोना सर मौजूद होता है, जिनका सर 180 डिग्री तक घूम जाता है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें अपने शिकार को दूर से ही देख लेती हैं, और उनके साथ शरीर में मौजूद सबसे खतरनाक उनके पांव, जिनसे वे अपने शिकार को सेकंड में मार डालते हैं। मेंटिस इतने निडर बने जाते हैं कि अपने आकार की चिंता किए बिना अपने दुश्मन से सीधे भिड़ जाते हैं, जिनका मुख्य खाना मक्खी, टिड्डे और तिलचट्टे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मेंटिस साथियों को भी मार डालते हैं। उदाहरण के तौर पर वयस्क फीमेल मेंटिस संबंध में आते वक्त अपने मेल मेंटिस को आधा खा जाती है। लेकिन क्या आपको पता है मेंटिस किसी सांप से भी मुकाबला कर सकते हैं? हम यहाँ किसी बड़े अजगर या एनाकोंडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छोटे सांपों की, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी सूरत में इन छोटे सांपों की गर्दन को कस के अपने पांव से पकड़ लेना, जिसके बाद सांप खुद को बचाने के लिए मेंटिस के चारों ओर जकड़ जाता है। लेकिन सांप की हर बार ये कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि इन सांपों ने उस छिपकली को नहीं देखा जो कि मेंटिस का शिकार बनी थी, जिसने उसकी गर्दन तोड़ दी थी, जैसा कि यहाँ इस सांप के साथ भी आखिर में हुआ। मगर रुकिए, मेंटिस को खाने में सिर्फ सांप ही नहीं, चूहे भी बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जो कि उनसे आकार में काफी बड़े होते हैं। लेकिन मेंटिस के लिए आम बात है, जब वह छिपकली से नहीं डरा तो चूहा तो फिर भी उसके लिए आसान शिकार है। मेंटिस, जो कि हर बार एक स्ट्रेटजी के तौर पर सबसे पहले अपने बड़े पांवों से अपने शिकार पर वार करके उसे जकड़ लेते हैं और उसे तब तक दबाते हैं जब तक कि उस जीव का दिल धड़कना बंद ना हो जाए, जिसके बाद सदमे से उस जीव की मौत हो जाती है। मेंटिस जहां भी रहते हैं पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करते हैं और आसपास मौजूद कॉकरोचेस और चूहों को मार डालते हैं। शुरुआत में आपने देखा था कि कैसे मेंटिस ने एक छोटे से पक्षी को अपना शिकार बना लिया था, जिस पर विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह का शिकार मेंटिस ने पहली और आखिरी बार नहीं किया है। ये मेंटिस किसी शिकारी शेर की तरह शिकार का पीछा करके शिकार नहीं करते, बल्कि एक ही जगह बैठकर तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कोई इनके सामने ना आ जाए। लेकिन इस वीडियो में दिख रहा ये हमिंग बर्ड थोड़ा किस्मत वाला निकला, जिसमें इंसान द्वारा दखल देने पर उसकी जान बच पाई, जो कि मेंटिस के लिए कोई आखिरी शिकार नहीं था, क्योंकि इन हमिंग बर्ड का शिकार करना इन मेंटिस को बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि हर वक्त ताक में रहते कि उन्हें कोई ऐसा शिकार मिल जाए, जिन्हें सब कुछ पता होता है कि उन्हें अपने शिकार कहां और किस वक्त मिलेगा, जो कि अपनी ऊर्जा को फालतू में किसी पर वेस्ट करना भी पसंद नहीं करते। जब पहली बार वैज्ञानिकों के दल ने मेंटिस पे अध्ययन किया तो पाया ये कीड़ा जिस जीव का शिकार करने वाला होता है उसी के अनुसार अपनी स्पीड को घटा बढ़ा सकता है, जो कि ऐसा लगता है कि एक फिक्स प्रोग्राम के तहत काम करता है, जिसकी वजह से अपने शिकार को इतनी सख्ती से पकड़ लेता है, जिसका क्रेडिट जाता है स्लो मोशन कैमरास को, जिनकी वजह से कीड़ों की इतनी अद्भुत स्पीड पहली बार कैमरे में देखने को मिली थी। ये मेंटिस इतने बड़े शिकारी माने जाते हैं कि इनसे छोटी मछलियां भी बच नहीं पाती, जो कि इनके सामने बिना किसी संघर्ष के अपनी जान दे देती हैं। उसी तरह कीड़ा देखे कैसे एक मेंढक को अपना शिकार बनाता है।
जिसके बाद मेंढक बहुत छटपट आता है और मन ही मन ये जरूर कहता है, कोई कीड़ा कैसे उभयचर जीव का शिकार कर सकता है। यह जीव भूखा होने पर यह नहीं देखता कि उसके सामने क्या है और कितना बड़ा है, उसे तो बस अपनी भूख मिटाने से मतलब रहता है। और अगर आपने कुंफू पांडा मूवी देखी हो तो उसके लेखक ने मेंटिस को देख के कुंफू के मूव्स को इजाद किया था, जो कि बिल्कुल सच है। कुंफू में दो मूव्स ऐसे हैं जो कि कीड़ों को देखकर लिए गए थे, जिसमें उनकी गजब की स्पीड और फुर्ती को दिखाया गया था। ये मेंटिस जो कि अपने वार के लिए इतने सटीक माने जाते हैं, साथ ही साथ ये मेंटिस अपने दुश्मन को डराने के लिए अपना शरीर फैला लेते हैं और शिकार को डराते भी हैं, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे खुद को दुश्मन से बड़ा दिखाया जाए, जिससे वह जल्दी से जल्दी मैदान छोड़कर भाग जाए। जिनका शरीर पर खास तरह का पैटर्न भी होते हैं जो कि उनके दूसरे जीवों को डराने के काम आते हैं। लेकिन जब इस सब से बात नहीं बनती तो ये मेंटिस अपने शिकार को अपने लंबे पांव से वार करने से भी नहीं पीछे हटते और पास जाते हैं और उन पर मुंह से काट खा जाते हैं। बेशक इनका मुंह बहुत ही छोटा होता है, लेकिन यकीन मानिए यह बहुत ही खतरनाक होता है। साथ ही ये मेंटिस अपने पेट से खास तरह की आवाज भी निकालते रहते हैं। देखिए यहाँ कैसे ये छोटा सा मेंटिस अपने से कई गुना बड़ी बिल्ली से भिड़ जाता है और उसके सामने अपने हथियार नहीं डालता है, जो कि साफ दर्शाता है कि लाइफ में किसी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन पानी के अंदर भी इस कीड़े के एक रिश्तेदार रहता है, जिसे समुद्री मेंटिस कहा जाता है, जो कि आम मेंटिस से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आम मेंटिस जो कि 10 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, वहीं पानी में रहने वाले मेंटिस जो कि अपने जमीनी रिश्तेदार की तरह निडर होते हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिनके वार करने की स्पीड सामान्य मेंटिस के मुकाबले 50 गुना तेज होती है, जिनके आगे की तरफ पैरों पर सिंग होते हैं जो कि ब्लेड की तरह नुकीले होते हैं, और जैसे ही वे अपने दुश्मन से टकराते हैं वे उनके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। जिनके मन पसंदीदा शिकार शेलफिश, श्रिम्प और छोटी मछलियां होती हैं, जो कि इतने बड़े भी हो सकते हैं कि वे ऑक्टोपस को अपने शिकार बनाने से भी नहीं रुकते और लगातार उस पर तब तक वार करते रहते हैं जब तक कि ऑक्टोपस हार ना मान ले, जो कि मन ही मन ये जरूर कहता होगा देखिए किसमें कितना है दम। जिसके बाद ऑक्टोपस बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए वहां से चुपचाप निकल जाता है, जो कि नहीं चाहेगा कि आगे जाकर उनसे और कोई दूसरा मेंटिस रास्ते में मिल जाए, जिससे सच में उसकी जान खतरे में पड़ सके।